समाज में क्यों नहीं आते हो? आप नौकरी मांगने के लिए जाते हो और नौकरी जब नहीं मिलती तो बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए समाज बैठा रह जाता है। अब रोजगार के लिए आ गया हो, हम सहायता करेंगे आपकी। और प्रधानमंत्री ने किसी को पता हो ना पता हो ऐसी योजना कर दी कि जो इस जन्म में किसी ना प्रधानमंत्री ने सोचा था ना आगे कोई सोचेगा। कैसे दलित समाज उठे इसके लिए उन्होंने कर दिया कि प्रत्येक बैंक की शाखा को 2 अनुसूचित जात के लोगों को ऋण कंपल्सरी देना पड़ेगा मुद्रा लोन में से। अब ये आप सोच कर देखो कि वो दूसरे को तो दे नहीं सकता। अब अगर एक बैंक कै हजार कै लाख बैंक पूरे भारतवर्ष में है, आपने सोचा क्या कि अगर वो एक एक जगह अब तो 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया, 1 करोड़ रुपया मुद्रा बैंक से मिलना, 10 लाख की जगह अभी तक 10 लाख था, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा वो किया कि उन्होंने बैंकों को कह दिया कि केवल 59 मिनट में, 59 मिनट मतलब 1 घंटे में अप्लाई करने के बाद वो बैंक का जो मुद्रा लोन है वो मिल जाया करेगा। अब आप कल्पना करो कि 1 करोड़ रुपए तक अगर कोई लोन मांग पाएगा और बिजनेस शुरू करेगा तो एक परिवार में अगर 5 लोग 10 लोग भी मान लो तो उसका जीवन की उसकी जो वो है जीवन का यापन है वो उससे हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री ने केवल नारा नहीं लगाया गरीबी हटाओ, पता लगा गरीबी हटाओ नारा लगाया, वोट मिल गया, उसके बाद गरीब तो हट गया और अमीर आ गया, ये नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे क्या किया कि हमारा जो दलित का स्वाभिमान है ऊपर आए। अभी ये बात सही कह रहे थे।